क्या ही ब्लैक माफिया लग रही हो भाई, पूरी ब्लैक बीस्ट। एक गाड़ी चढ़ रही है पहाड़ पे और उसमें मीटर पे आ गया एवरेज 14 की। ये ऐसे होके यहाँ से ऐसे होके ये आया है, मतलब ये ना कोई नहीं बताएगा तुम्हें ना कि कौन सी लाइन में जाना है। तो उसमें देखो, उसमें भीड़ रहेगी, कभी भी आओगे ना तो उसमें भीड़ रहेगी। सबसे कोने वाली लाइन में जाओगे तो जल्दी दर्शन होंगे और बढ़िया दर्शन होंगे। लो भाई, कंपनी वाले 25 क्लेम कर रहे थे, यहाँ आ रही है भाई 22 की एवरेज और भाई 20 इंच चलो है ऊपर से भाई, 6-6 बंदे बैठे हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस ये देखो भाई कितनी तगड़ी आंधी और बारिश चल रही है भाई, देख रहे हो की नई गाड़ी के लिए हमने ले लिया ये। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस जैसे आपको दिख रही है भाई अपनी फुल ब्लैक गाड़ी और एक नंबर लग रही है भाई, देखो फ्रेम के अंदर ना आप देखो। तो भाई इसको लेके जाने वाले हम खाटू श्याम, तो अभी देख सकते हो इसके अंदर भाई 6 जने हैं टोटल। और ये देखो अभी इसके अंदर है 3 उंगली का गैप बस, तो देखते हैं 20 इंची में कैसी कुछ आउटपुट रहने वाला है, क्या रिएक्शन आएंगे तो वो आपको बताएंगे। पूरी वीडियो में बने रहना। तो चलते हैं अब सीधा और यहाँ से लगभग 250 के आसपास किलोमीटर रहने वाला है, तो भी चलते हैं फटाफट से। गाड़ी में अगर एवरेज दिखाऊँ तो भाई 8.7 की एवरेज आ रही है, देखते पूरी ओवरऑल ट्रिप पे क्या दिखाती है। और रेंज दिखाना चाहूँ तो रेंज आ रही है 351। अगर दिखाना चाहूँ तो भाई यहाँ से दिखा रहा है 4 घंटे 28 मिनट 240 किलोमीटर, रेंज हमारी 300 कुछ आ रही थी। तो अब यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको एवरेज को रीसेट, ठीक है, और अपना कर देता हूँ 738 अपनी चल चुकी है यहाँ से, ठीक है। ए को इतने रहने देते हैं 0 फुल टंकी वाला, बी को कर देते हैं 0। तो भाई यहाँ पे बाइक के कुछ फैंस मिल गए, तो भाई गाड़ी के साथ फोटो खिंचा लो, तो खींचते हैं भाई फोटो। भाई यार मिले बहुत अच्छा लगता है कि जितने भाई मिलते हैं, अगर कोई भी अगर ऐसे मेरे को मिले रोड पे तो भाई मिल लिया करो, ये मत सोचो कि अरे एक बार बात करने या छोड़ देते हैं, अरे जान दो ऐसे करके। तो अगर जिसका मन हो तो भाई रुक जा करो, जिसका नहीं हो तो इसके लिए क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ से जयपुर दिखा रहा है 222 और मानेसर 5 किलोमीटर, रोड भाई बिल्कुल ओके रिपोर्ट कर दिया, पहले बहुत बेकार था ये वाला रोड ना। तो भाई अब आ चुका है दूसरा टोल टैक्स, इस वाले में ले लो, इधर ही बाबा बिल्कुल इधर खाली पड़े हैं। ਕੁੜੀ ਮਹਿਗਨਾ ਨੀ ਚਾਰ ਜੀ ਵਹਿਗਨਾ ਨੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਚੱਕੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿੱਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਸੱਤੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੀ ਆ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨੀ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਤਾਲੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨੀ ਵੱਡੇ ਜੈਕ ਨੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾਈ ਆਉਂਦਾ ਅਫਗਾਨ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਗੋਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੀ ਪੱਟੂ ਖਾਈ ਫਿਰਦਾ बनानी थी इन्होंने ना भाई, मेरे को रास्ते में छोड़ दिया आगे लेके गाड़ी भगा के, ये खड़ी गाड़ी। तो अरे रुक तो जाओ। तो गाइस ये देखो भाई 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और भाई अभी एक भी डंडा कम नहीं हुआ है, यानी कि एवरेज के मामले में तो भाई बहुत तगड़ी एवरेज दे रही है 20 इंची में भी। आ गया भाई अपना भानु का तवा लिया पराठा, ये तंदूरी मंगाया था हमने, मंगाया भाई तवा वाला। तो भाई हमारे पराठे आ चुके हैं, ये देखो भाई सारे पराठे। भाई बिल आया अपना, ये आया 794 का। तो अब चलते हैं, 8:18 हो चुके हैं भाई, देख लो अभी 2 घंटे और लगने वाले हैं पहुंचने में। लो भाई कंपनी वाले 25 क्लेम कर रहे थे, यहाँ आ रही है भाई 22 की एवरेज और भाई 20 इंच चलो है ऊपर से भाई, 6-6 बंदे बैठे हैं गाड़ी के अंदर। और क्या ही उम्मीद लोगे भाई मारुति से, और क्या ही चाहिए तुम्हें भाई, पूरी वीडियो देखना मजा आ जाएगा, ठीक है ना। एक गाड़ी चढ़ रही है पहाड़ पे और उसमें मीटर पे आ गया एवरेज 14 की, ये देख लो 14 की एवरेज। और पापा ना फुल खेच चल रहे हैं,
कोई एवरेज वेवरेज का लेना देना नहीं है। दूर दूर तो तेरा पापा ही निकाल रहा है एवरेज, तू तो 6-7 की निकाल रहा था ना। अरे तो आप तो भगा रहे हो, मैं थोड़ा ना भगा रहा था। अभी आ गए भाई यहाँ पर, अभी रिंगस के लिए जा रहा, सामने सस्ता भी यहाँ पर रुके हैं, तो यहाँ पर खाएंगे कचौड़ी। तो ये रही भाई गाड़ी, ब्लैक है ना तो भाई धूल चिपक रही है। इस भाई ये आ चुकी है अपनी भाई कड़ी कचौड़ी, तो हमने यहाँ से ली है, तो अभी खा के टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगने वाली है कैसी नहीं। भाई ये टेस्ट करी ना मैंने ना खाटू श्याम की, जो वहाँ पर है मंदिर के बाहर जब निकलते हैं तो वहाँ भी है, तो वहाँ की सबकी दुकान की खा रखी है मैंने, पर इस ये वाली यार बहुत ही बढ़िया है फ्लेवर के। यहाँ पे मैंने टेस्ट करी, मस्त लग रही है। तो एक तो गर्मी हो रही है, गर्मी में खा रहे हैं, एसी का आगे रख दी मैंने, थोड़ी ना ठंडी वंडी हो जाए। अब पहुंच चुके हैं भाई रिंगस, जो मेन रिंगस है भाई वो ये, यहाँ से निशान वगैरह लेके चलते हैं लोग जितने भगत हैं, तो ये देखते हैं। आज तो मेरे हिसाब से भीड़ कम है जितना मैंने सोचा था, क्योंकि संडे आज है, सैटरडे आपका, तो उस हिसाब से भीड़ नहीं है इधर। नहीं तो भाई पिछली बार ना बहुत भीड़ थी, डीजे वगैरह सब रहते हैं, तो यहाँ से इन्होंने भाई ये लिया है। और इतनी गर्मी में तो भाई मैं कह रहा हूँ बंदा बाहर खड़ा होना मुश्किल है, ये तो भाई झंडा लेके इतनी दूर चल रहे, देख रहे हो भाई कितनी हिम्मत है। और बाबा भी तुम्हें बताइए फिर हिम्मत वो डाल देते जब कोई उनका भगत ऐसे करता है ना, तो देखो ये देखो इतनी गर्मी में पैदल वो भी नंगे पैर, और इतनी दूर 10-15 किलोमीटर दूर है, तो देख रहे हो शक्ति देते हैं। हाँ बाबा शक्ति देते हैं। अभी ना मैं सैटरडे बोल रहा था, ये आज है भाई संडे, संडे के हिसाब से भीड़ नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। भाई पहुंच चुके हैं द्वार की तरफ, तो भाई ये देखो, तो सामने आपको द्वार दिख रहा होगा, जय श्री श्याम। अरे वान्यारी 6 जने बैठे हैं गाड़ी में, जय श्री श्याम। लो भाई अब आ गए श्याम, तो भाई और आगे द्वार, तो अभी बस पहुंचने वाले, इसके बाद हम दर्शन करेंगे। 12:07 हो चुके हैं भैया, सब बढ़िया सब बढ़िया। गाड़ी कैसी लग रही है? एकदम शानदार, बस बढ़िया। जैसे ही भाई हम नहा के आए, और मौसम भाई बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये देख सकते हो भाई पूरा बादल वगैरह मौसम हो चुका है बढ़िया। तो भैया हो सकती है क्या बारिश आज? नहीं तो ये भी आपने शायद पहले मेरी वीडियोस में देखे होंगे जब हम खाटू श्याम आते, और ये खड़ी, अब हम गाड़ी यहीं खड़ी करके जाएंगे, क्योंकि हम जब भी आते हैं ना भैया यहीं पे गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना ही होटल समझो। तो अभी फिलहाल गाड़ी को यहीं रहने देते हैं, हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो हमारी गाड़ी भाई पहली बार आई है खाटू श्याम, ये वाली अल्टो तो आ चुकी है, इसको हम लेके आए हैं। तो गाइस भाई पूरा मौसम हो चुका है भाई बारिश का ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी यहाँ पर, और अब देख लो भाई बिल्कुल बढ़िया सेट मौसम हो गया है। तो चल रहे अभी भाई दर्शन के। भाई कुंड है इसमें ना, मैं आज तक नहीं आया, इतने दिन से आ रहा हूँ मैं, मतलब आज चौथी बार आया हूँ, पर मैं आज तक नहीं आया इसमें ना, तो आज पहली बार आया हूँ, तो यहाँ से एकदम छीटे छीटे मार लिए मैंने बढ़िया मस्त। अब चल रहे हैं दर्शन के लिए, भीड़ पूरी है भाई यहाँ ना, मतलब ये ना कोई नहीं बताएगा तुम्हें ना कि कौन सी लाइन में जाना है, तो उसमें देखो उसमें भीड़ रहेगी, कभी भी आओगे ना तो उसमें भीड़ रहेगी, सबसे कोने वाली लाइन में जाओगे तो जल्दी दर्शन होंगे और बढ़िया दर्शन होंगे। तो गाइज भाई ये देखो, ये पूरे फुहारे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर बढ़िया, और पंखा देखो कितना बड़ा पंखा है। तो भाई ये ना फिर रास्ता अलग अलग हो जाता है, ये इस वाली लाइन इस तरफ आ जाती है, वो उधर चली जाती है, तो अब यहाँ से ना जाने में एक फायदा है, यहाँ से ऐसे होते हुए बिल्कुल तुम्हारे ना बिल्कुल बाबा के बिल्कुल आमने सामने वाले दर्शन होंगे मस्त, और वहाँ 4-5 मिनट तुम रुक सकते हो बढ़िया तरीके से ना। मैंने बोला था ना इधर से ना इस वाली लाइन से बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं, अगर कोई भी आना चाह रहा है ना तो यहाँ से आ जाओ। पर भाई एक दिक्कत है, ये ना वीआईपी वाला सिस्टम मेरे को बेकार लगता है भाई, वो भी तो इंसान है और हम भी इंसान है, वहाँ पैसे दो 500 रुपये अगर वीआईपी में जाना है, तो यार ये चीज़ मेरे को ना अच्छी नहीं लगती हर किसी बंदे की कि भाई वीआईपी में पैसे दे के जाओ और ऐसे करके, और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाबा तो भाई सबके लिए एक ही है ना। तो ये रहा मंदिर भाई, बहुत बड़े दर्शन हो गए हैं भाई, श्याम बाबा ने भाई दर्शन वगैरह बढ़िया हो गए हैं श्याम बाबा के, और बाबा ने भाई बारिश करवा दी है, लोग प्रसन्न हो गए, हम नहीं शिफ्ट लाए और बाबा बढ़िया प्रसन्न हो गए, हम आए पूरी फैमिली के साथ, और बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ के, मतलब ना मज़ा आता है, अगर कोई नहीं आया ना मेरा भाई तो भाई आओ, मतलब एक दिल को अलग ही सुकून मिलने वाला है यहाँ पे आके ना। और गाइस मैंने भाई स्विफ्ट के लिए ले लिया भाई ये, अब बहुत बंदे कहेंगे मैं स्विफ्ट बोल रहा हूँ, तो भाई मेरी थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है, स्विफ्ट वैसे होता स्विफ्ट है, पर वैसे आपको पता ही है ना एक लोकल लैंग्वेज के बाद तो स्विफ्ट ही निकलता है, तो इसलिए कोई दिक्कत परेशानी वाली थी। अपनी नई गाड़ी के लिए हमने ले लिया ये, अल्टो में पहले से ही था। निकल चुके हैं यहाँ से, और 8 की एवरेज देखो ये दिखा रही है, अब थोड़ी देर जब चलेगी ना ये, जब ठीक हो जाएगी, तो अभी यहाँ से टोटल हमारी जो चली है घर से लेके यहाँ तक 240 किलोमीटर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बताने वाला हूँ भाई योंकर ऑडियो ब्रांड के बारे में। तो भाई ये ऑडियो ब्रांड रहने वाला है, इसके अंदर आपको मिलेगी मिड रेंज 90 वॉट RMS, 165 वॉट RMS, और भाई सबवूफर मिलने वाले 500 RMS से लेके 2000 RMS तक के सबवूफर रहने वाले हैं। आप
कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवरी अवेलेबल है। अगर कोई मेरा दुकानदार भाई देख रहा है तो अपना मुझे कार्ड भेज के भाई वो होलसेल में भी अपना माल ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसको भी कुछ भी चाहिए आप इजिली ले सकते हो। तो गाइस ये देखो भाई कितनी तगड़ी आंधी और बारिश चल रही है भाई, देख रहे हो गाइस। भाई देखो अभी वो टीन वाला दिखाता हूं, और देखो भाई पेड़ पड़ा है यहाँ पर ना, और मैंने अभी सुकर है वो साइड में लगा ली थी गाड़ी, तो थोड़ी देर रुक गया था, अब थोड़ी हल्की हो गई है तो थोड़ी साइड से निकालनी पड़ेगी भाई गाड़ी ने, इसके आराम आराम से बिल्कुल बचा के। तो भाई गाड़ी की लुक चेक करो भाई, क्या ही आ रही है ये देख लो भाई, ठीक है। अभी भाई बारिश हो गई, अभी है ना घर तक जाते जाते भाई पूरी गंदी हो जाएगी, और पता है क्या कल कराऊंगा भाई मैं इसकी सर्विस, क्योंकि 1000 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। और लुक चेक करो भाई क्या ही आ रही है, अब एक बार ना ब्राइटनेस कम करता हूँ। ये देखो भाई क्या ही ब्लैक माफिया लग रही हो भाई, पूरी ब्लैक बीस्ट, चेक करो भाई एक नंबर। तो अभी यहाँ पर ना रील वगैरह बनाने वाले हम, तो आपको दिखाएंगे कैसे कुछ बनने वाली है, तो वीडियो में बने रहना पूरी में। भाई बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ ये वाला ना, वो वहाँ से ट्रक सीधा नीचे खाई में, वहाँ से ऐसा है ऐसे होके और घर से ऐसे घुस गए इसमें। ये ऐसे होके यहाँ से ऐसे होके ये आया है, गहरा बच गया भाई जिंदगी। तुम बग्गा निकल गए, तुम वहाँ से ऐसे तुम हाँ। तो भाई देख रहे हो गाड़ी जब भी चलाओ दिनों रात हो आराम से चलाओ, ये उस रोड से सीधा इस पे तुम नीचे। यहाँ से दिल्ली है भाई 195 गुड़गांव 162 और भैरोर 60 किलोमीटर। तो गाइस अभी अपनी गाड़ी एवरेज दे रही है 13 की, तो ये अभी थोड़ी थोड़ी अभी धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएगी जब जैसे जैसे चलती रहेगी। अब मैं फंसे हुए देखो, टूटा हुआ ट्रक पूरा एक्सीडेंटल अब चल रहा, देखो अंकल हम सोचे ना ये खड़ा ही है, ओल है ओम नहीं निकल गए भाई। तो भाई ये इस रोड की वजह से पूरा जाम लगा हुआ है, देख सकते हो आप, ले भाई बंद हो गई भाई, नजर लग गई है तो भाई एक फुल गया था क्या जा रहा था और बंद हो गई भाई। जब आ चुके हैं भाई, कुछ खा लेते हैं बर्गर वगैरह में से, तो अभी बर्गर वगैरह ऑर्डर करते हैं अपना बढ़िया सा। और अभी बर्गर किंग से हमने भाई बर्गर वगैरह खा लिए हैं, और गाड़ी भाई ये खड़ी सामने देख लो भाई, कितने बड़े बड़े अलॉय व्हील है, तो भाई कहीं से कोई टच वगैरह नहीं हो रही ना, इधर टच हुई अभी तक, अगर हुई होगी तो देखो तुम्हें दिख जाएगा कुछ ना कुछ भाई, देखो यहाँ कुछ भी टच नहीं हुई है ठीक है। और 6 जने बैठे हैं बढ़िया, इधर ना इधर से टच हुई नहीं तो टायर पे ना निशान दिख जाता है देखो, और ना ही इधर से टच हुई कहीं भी। तो गाइस भाई अभी गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी, और हम आ चुके हैं भाई होटल हाईवे किंग पर, यहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर चलते हैं भाई सीधा घर। मैंने तो मंगा लिया भाई अपने लिए छोले भटूरे, और वहाँ भी छोले भटूरे और भाई वगैरह अभी 2-4 आइटम थाली वगैरह वो आ रहे हैं, तो पहले इनको खाएंगे इतने, फिर थाली वगैरह जो भी है वो भी आ जाएगा इतने, थाली वगैरह भी अपनी आ चुकी है अभी। तो गाइस भाई हम घर पहुंच गए हैं, और टाइम देख लो भाई 12:35 हो चुके हैं, और अगर मैं इसकी रेंज दिखाऊं तो अभी 124 किलोमीटर और चल सकती है ये, और एवरेज दे रही है भाई 14 की ठीक है। और जो भाई अपनी टोटल गाड़ी चली है वो चली है आपकी 485 किलोमीटर, और भाई पता है क्या, मैंने रिंगस से निकलते हुए फर्स्ट वाला ना मैंने ज़ीरो कर दिया था, और वहाँ से चलिए 245 किलोमीटर मेरे घर तक, तो मैं उसको ऐड करके अभी मैं वीडियो में लगा दूँगा आगे, फिर आपको पता चल जाएगा कैलकुलेट हो गई कितनी क्या कुछ इसकी एवरेज वगैरह आई है, यानी कि अप्रोक्स अगर आइडिया माने तो भाई अपना पूरा खाटू शाम से आना जाना यहाँ तक एक टंकी तेल मान सकते हो, यानी कि 3300 रुपये के आसपास का तेल लग गया इसके अंदर।